पार्टियों इस थैली के अंदर है खुशी। Welcome to Saudi Arabia. Anything you want is in this application. वीडियो शुरू होने से पहले जरा सब्सक्राइब कर दो और लाइक का जो टारगेट है वो सिर्फ 350 कर लोगे ना। पार्टियों टूरिज्म जो है ना सऊदीया का वो अब हो रही है उसकी गेम ऑन। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जद्दा में आप जैसे ही एंटर हो गए, एंटर होते लेफ्ट पे पहले ये काउंटर लगा हुआ है सऊदी टूरिज्म का, और इन्हीं के मुंह से आप सुने कि क्या ये बता रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी मजीद तफसील और डिटेल बताता हूँ। वेलकम टू सऊदी अरेबिया, ऑल द किंगडम सऊदी अरेबिया इज हियर इन दिस एप्लीकेशन अप स्टोर ऑन गूगल प्ले। थैंक यू सो मच। यहाँ पे गेम ये है कि जो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे बारकोड बने हुए आ रहे हैं ना, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा। आप लोगों को सऊदीया के अंदर कोई सी भी सिटी अगर घूमनी है, कहीं भी जाना है, तो आप इन बारकोड्स को स्कैन करें, ये ऐप इंस्टॉल करें और हर सिटी की आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जितनी भी टूरिज्म से रिलेटेड है, वहाँ होटल कौन सा है, वहाँ खाना कैसे मिलेगा, वहाँ पर आप रहना कहाँ से कर सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी डिटेल आप लोगों को इन लोगों की एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर मिल जाएंगी सऊदी टूरिज़म के, क्योंकि सऊदीया जो है टूरिज़म बे इंतहा प्रमोट कर रहा है। तो ज़रा आप लोग भी आएँ सऊदीया और इन्जॉय करें यहाँ की डिफरेंट सिटीज़ और गेम ऑन करें, ठीक है ना। अच्छा माशाल्लाह इतना भरपूर लोग आ रहे हैं, इतना उम्रे पे लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्ला। उम्रा वगैरह दोबारा से माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से खुल गया, तो बहुत लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग बताओ किस चीज़ में मज़ा आता है, किसी को छोड़ने में या लेने आने में, बताओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है एयरपोर्ट्स में, जद्दा के अंदर जो बना हुआ है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स का एक्वेरियम है, माशाल्लाह तबारकल्ला। इसके अंदर शार्क्स भी हैं। और इस एक्वेरियम की गेम ये है कि जिस वक्त आप लोग इंशाल्लाह ताला जद्दा के अंदर एंटर हो गए ना, तो एंटर होते ही सामने बिल्कुल मुंह पे आप लोगों को ये वाला एक्वेरियम दिखेगा बिल्कुल सामने। अच्छा खासा ह्यूज है ये भाई, अगर आप लोग करीब से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, वाह वाह किस्म का ह्यूज है ये माशाल्लाह, और तरह तरह की मछलियाँ इसके अंदर माशाल्लाह। चलो अब एयरपोर्ट की इतनी ही बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये ना अराइवल गेट है, यहाँ से अब जब लोग आप लोग एंटर होते हो तो ये पूरी एक पट्टी लगी हुई है, उबर और करीम लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये पट्टी को आप फॉलो करते हुए जाएंगे ना तो आप उबर करीम तक पहुँच जाएंगे, अगर आपने बुक की हुई होगी तो, नहीं तो आप नीचे जाके भी बुक कर सकते हैं, ये आप लोगों को नीचे वाले फ्लोर पर लेके जाएगी। पार्टियों ए शादा ए शादा, माशाल्लाह तबारकल्ला, जद्दा के मौसम को एकदम से क्या हुआ बारिश, माशाल्लाह तबारकल्ला भाई, रात तक तो ना बादल थे ना कुछ था भाई, वाह मज़े ही आ गए एकदम से बिन मौसम बरसात, ओए होए होए होए, वाह भाई साहब। उस दिन हमें धुंध मिल गई थी, आज हमें बारिश मिल गई, वाह मज़ा आ गया, इतना प्यारा मौसम हो गया एकदम से, हल्के हल्के बादलों में एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई, वाह यार। आप लोगों के पास हो रही है, फिर आप लोग अभी उठ जब सो के उठो, अभी कितने सुबह 7:30 हो रहे हैं, अभी आप लोग जब सो के उठोगे बोलोगे कि भाई अब हमारे पास तो नहीं हुई, आपके एरिया में होती, नहीं भाई पूरे जद्दा एयरपोर्ट से जब से मैं निकला हूँ यहाँ तक आया हूँ अभी तक यहाँ पे फुल बारिश ही बारिश हो रही है माशाल्लाह। आप लोगों के एरिया में हुई नहीं हुई नहीं पता, लेकिन हमारे पास तो हो गई भाई, जब वही वाली बात है जो सोता है वो खोता है, वो उर्दू वाला भी पंजाबी वाला भी, तो अगर आप लोग सो के खोए हैं तो अप टू यू। देखो माशाल्लाह तबारकल्ला कितने प्यारे बादल, बारिश, सुभान अल्लाह, वाह जद्दा वाह, क्या बात है भाई क्या बात है, माशाल्लाह तबारकल्ला। पार्टियों इस थैली के अंदर है खुशी, ठीक है, और वो खुशी क्या है मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा बड़ा डिटेल में, बहुत ही टाइम से मुझे ये चीज़ चाहिए थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के हाथ में है वो चीज़। देखो भाई इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसके अंदर क्या है, क्या खुशी है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बात है एग्जैक्ट September 10th, 2018 की, जब मैं कराची में था और कराची में मैं डेली व्लॉग्स बना रहा था, और उन दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ मोरू भाई से मिलने का, और मोरू भाई से जिस वक्त मैं मिला था उस वक्त उन्होंने मुझे अपना पूरा स्टूडियो टूर करवाया था और सब कुछ दिखाया था, अपने इक्विपमेंट्स दिखाए थे, अपने कैमरा लेंस वगैरह ये वो सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ ये पता था कि बस एक फ़ोन होता है उसके पीछे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, आप उससे वीडियो बनाएं एंड दैट्स इट,
उसके अलावा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। मुझे कैमरे का, लेंस का, अपर्चर का, किसी भी चीज का नहीं पता था। जब मोरू भाई मुझे अपना कैमरा दिखा रहे थे तो उन्होंने मुझे यूं करके ऐसे यूं दिखाया और बोला कि ये है सोनी A6500 और 6500 के ऊपर मैंने लगाई हुई है सिग्मा की 16mm लेंस। और ओए होए 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 ऐसे ही बोला था उन्होंने, अभी आप लोग देख लेंगे आगे वीडियो में। ओए होए 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 क्या ये मेरी फेवरेट लेंस है, यूं ऐसे यूं करो पूरा चेहरा आपके सामने, ठीक है, पूरा चेहरा आ जाता है। और इसको 1.7 पे आप खोलो तो पीछे ब्लर बूके इफेक्ट बनता है। उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई थी, अगर ठीक है होगी कोई लेंस वगैरह की कोई बात होगी, मुझे एफ का भी नहीं पता था कि एफ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, किस तरीके से लेंस क्या होता है, ये प्रोफेशनल कैमरा वैमरा ये वो कुछ नहीं पता था मुझे। मुझे सिर्फ फ़ोन का पता था, उस वक्त मैं मोबाइल से व्लॉगिंग करता था। अब क्या हुआ ये बताता हूँ कि होता क्या है नॉर्मली कि मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ ना, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको उसकी मैक्सिमम तक यूज़ करता हूँ, बिल्कुल कि उसके मतलब जैसे कह लो ना निचोड़ लेना, उसमें जो भी जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है वो उसके अंदर करता हूँ। फिर जब जाके मुझे ये फील होने लगता है ना कि यार अब मुझे जो करना है वो इसमें मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। टाइम गुजरा 2020 में अक्टूबर में मुझे ये फील हुआ कि यार अब गेम थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी आगे जानी चाहिए, और फ़ोन से व्लॉगिंग करना अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि अब यानी अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। फिर आपके भाई ने लिया सोनी A6400। सोनी A6400 के साथ जो लेंस आया वो है 16, ये इसका किट लेंस है, 1650mm, ठीक है, ये जूम लेंस भी है, मतलब थोड़ा सा जूम वूम भी हो जाता है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक सीन ये था, अब आ गई है थोड़ी सी टेक्निकल बात, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा कि अब इसके अंदर सीन ये हुआ कि एफ अपर्चर जो होता है, एफ जो होता है वो इसका 3.5 तक जाता है सिर्फ, कम अगर होता है तो आपको जो पीछे इफेक्ट होता है ना वो ब्लर नज़र आता है, ठीक है। और लो लाइट की उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही कोई वाह हो जाती है। इसमें 16mm क्या होता है कि ये जो जितनी वाइड होता है, जितना भी होता है, जैसे ये आईफोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जो वाइड एंगल है वो 13mm है, लेकिन क्या होता है कि लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसमें ग्रेन्स आ जाते हैं। ये 16mm है, मतलब उससे थोड़ा सा कम वाइड, लेकिन इसमें पीछे ब्लर इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसका अपर्चर जो है वो 3.5 है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। बहुत टाइम बाद मुझे जब ये समझ आया कि ये कैमरा क्या होता है, इसका लेंस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, mm क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब मुझे समझ आने लगी, तो मुझे इस लेंस का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर चीज़ को बिल्कुल आखिर लेवल तक यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर अपग्रेड करता हूँ, तो मुझे ये फील होने लगा कि यार अब इस लेंस से थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। किस तरह अपग्रेड करना चाहिए कि लो लाइट क्वालिटी बहुत आला होनी चाहिए। तो मुझे फिर वो वाली बात याद आई बैक इन 2018। A6500 जो है इसके ऊपर मैंने सिग्मा की 16mm 1.4 लेंस लगाई हुई है। ओए होए 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 आई लव दिस लेंस, इट्स द बेस्ट व्लॉगिंग लेंस, यू करो पूरी शक्ल आ जाती है। 1.7 पे अगर आप इसको खोलो तो फुल बूका ब्लर बूके बूका जो भी कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन और हजरात और पार्टियां, Presenting you Muru Bhai's favorite and my most favorite lens, Sigma 16mm f1.4. Oye hoye 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 hoye. अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 आई लव दिस लेंस। ओए होए 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 खूबसूरत खूबसूरत माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। ये इसकी हुड है, ये है लेंस। ओए होए 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 लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनों, हज़रात और पार्टियों, पहली दफ़ा आज अपने सोनी A6400 पे हम लगाने जा रहे हैं मोरू भाई का मोस्ट फेवरेट लेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली दफ़ा मैं लेंस लगा रहा हूँ, कोई मुझे लगाने भी नहीं आ रहा। ये बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ये लग गया है लेंस। अब तो पार्टियों, ये है सिग्मा 16mm
f1.4 पे। आप लोगों को पीछे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ब्लर हो रहा है और क्या बोका इफेक्ट आ रहा है। ओए होए 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 मोरू भाई आई लव यू। और ये है आईफोन का रिज़ल्ट। आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि आईफोन में और सिग्मा 16mm A6400 पे लगा के कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। अब आप लोगों को मिलेंगे ज़बरदस्त किस्म के फूड व्लॉग्स रात के टाइम के लो लाइट में। अच्छा अच्छा, अब इसका एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या है सबसे बड़ा फ़ायदा। ये देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पीछे ब्लर आ रहा है, मैं बिल्कुल ठीक आ रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लेके आता हूँ ये पौधा, ये देख रहे हैं कैसे फोकस किया इसने पौधा, ये पौधा हटा आपका भाई फोकस में, ये पौधा आया पौधा फोकस में, ये हुई ना बात। पीछे कैसा ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है, नए लेंस का कमाल। बाय द वे इसमें ज़रा शेप वेव भी बड़ी क्लियर नज़र आ रही होगी, और आईफोन में जब मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा था तो उसमें क्या सीन था कि शेप वेव बिल्कुल ऐसी बनी भी आ रही थी ना, लेकिन बड़े दिन से मेरी शेप बड़ी भी है, तो अल्लाह भला करे आपका। कल इंशाल्लाह ताला मैंने अहमद भाई से अपॉइंटमेंट लिया, तो मैं कल जाऊँगा वहाँ पर शेप वेव कराने, तो आप लोगों को कल वाले ब्लॉग मिलेगा। लेकिन आज मैं अजीज़िया जा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह पिक करनी है, सारा सामान वामान पिक करना है, तो चलते हैं, आप लोग हमारे साथ रहेंगे और बाकी रिज़ल्ट का ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। आ जाओ। मैंने कहा आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, आबिद भाई की माशाल्लाह शादी हो गई है। आबिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोग भी कमेंट्स में आबिद भाई को मुबारकबाद दे सकते हो और आके इनसे सब्ज़ी ले सकते हो। आबिद भाई, लोगों की अक्सर शिकायत आती है कि आप डिस्काउंट नहीं देते। इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा, पक्की बात है। अब रमज़ान की वजह से देना पड़ेगा। नहीं, अब शादी भी हो गई, अब डिस्काउंट फुल डिस्काउंट चल रहा है। तो ज़्यादा लेने चाहिए, अब तो शादी भी हो गई है। जज़ाकअल्लाह खैर। कितना जुर्माना कितना हो गया मेरा? जुर्माना बहुत हो गया। आप लोग भी आना भाई आबिद भाई के पास, अमीन स्टोर के बिल्कुल साथ है, मरकज तारिक आ जाना। कौन सा डिस्काउंट? ये तो बंद करते हैं, बंद करते हैं। देखा, अजीज़िया मेरे लिए स्पेशल इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिलते हैं यहाँ पे बैक टू बैक। अभी अमीन स्टोर पे एक आंटी मिली, कह रही है हम आपको हमेशा व्लॉग्स में देखते थे, आज आपको सामने से देख लिया। मैंने कहा जज़ाकअल्लाह खैर, ये मोहब्बत है आप लोगों की, थैंक यू सो मच। इस लेंस के साथ मेरे पास ये फ़िल्टर भी आया है, और इसकी कहानी यह है कि यहाँ पे नहीं, इस फ़िल्टर की नहीं, इस लेंस और फ़िल्टर की कहानी यह है कि यहाँ पे ये लेंस मुझे तकरीबन 1600 रियाल का मिल रहा था, तो मैंने बड़ा रिसर्च की, अब मुझे चाहिए तो था, मैंने बड़ी रिसर्च की, ढूंढा ऊँडा ये वो इधर उधर के कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, मतलब सस्ता कहाँ से मिलेगा, अच्छा तो हर जगह एक मिलता है। तो मुझे ये पता चला कि भाई पाकिस्तान में, तो मैंने अन्नू मामा को बोला, मैंने कहा मामा ज़रा लेंस तो कराओ, तो मामा फिर वहाँ पे गया, उसने जाके वो परचेज़ किया, 62,000 का था। उस बंदे ने बोला कि हम 60,000 का दे देंगे और मैं आपको इसके साथ ये फ़िल्टर फ्री दे दूँगा। इस फ़िल्टर से क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोगों को अगर पता हो तो बताना, लेकिन मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगा। इसके पीछे जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हो कि ये आउटडोर में रिज़ल्ट बड़ा कोई क्लास का देता है और रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों पे ज़रा वो करता है। देखो, जैसे ये लेंस की जो मैंने बताया था ना कि मैं एक चीज़ को पूरे उसके मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करता हूँ, तो ये लेंस की यूज़ेज जो है वो इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करके बरत के जब तक मुझे ये महसूस नहीं होगी चीज़ कि मैं अब इससे अपग्रेड करूं तब तक मैं दूसरा लेंस नहीं लूँगा। और इस लेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब इसके करीब कोई चीज़ जाती है तो ये उस पर फोकस कर लेता है, और ये जैसे ही हटता है तो ये फोकस उस पर से बिल्कुल, यानी विद इन नैनो सेकेंड्स। तो ये जब इंशाल्लाह ताला हम अभी रमज़ान के बाद फूड व्लॉग्स के बनाएंगे जो फूड चैनल के लिए, तो उसमें जब ये यूँ ऐसे यूँ करके जब टिक्का आपके सामने ऐसे आएगा ना यूँ, तो एकदम से वो फोकस कर लेगा उस टिक्के के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ज़रूरत पड़ी थी मुझे इस लेंस की, जो फ़ोन मेरे ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, या इससे पहले वाला जो लेंस था f3.5 वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा था कि पीछे का बिल्कुल ब्लर करके और उसी चीज़ पे फोकस कर ले ऐसे, तो ये चीज़ ये कर रही है, ठीक है ना। तो अब सीन यह है कि मैं ज़रा एडिट करने बैठूँगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, एडिट करने में, हर चीज़ में, सही है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा यार, कोई बात नहीं, खैर हो गई। हाँ।